तो जो बात मैं कल के वीडियो में बोली थी, आप सुनिएगा लास्ट के लास्ट 2 मिनट के पहले ये टॉपिक मैं डाली थी कि अगर अविनाश चुंग को साला के जगह साली बोल देता तो पूरे घर वाले उस पर चढ़ जाते। सेम वर्ड अविनाश ने बोला चुंग को कि ठीक है साला कोई गाली नहीं है, तुम मुझे गाली दी और तुम्हारी जगह मैं तुमको अगर साली बोल देता तो चुंग बोलती है मैं कुछ नहीं बोलती। अविनाश बोल रहे थे तुम कुछ नहीं बोलती लेकिन पूरे घर वाले मेरे ऊपर चढ़ जाते। बात बिल्कुल सही है कि अविनाश कितना भी गुस्सा में हो लेकिन इतना होश तो उसको जरूर रहता है कि वो मुंह से कभी किसी तरह की गाली नहीं निकाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अर्चना सिंह शॉर्ट्स में। तो आज मैं करने जा रही हूँ बिग बॉस डे 11 की रिव्यू। तो आज दिन की शुरुआत में दिखाया जाता है कि अविनाश जोर जोर से चिल्ला रहे हैं घर वालों के ऊपर और करणवीर उनको इंस्टिगेट कर रहे हैं। अविनाश को कुछ ऐसी गालियां करणवीर देते हैं जिससे अविनाश और भी हाइपर हो जाता है और चिल्लाने लगता है और गुस्से में आ जाता है। तो घर वाले जो हैं अविनाश को देखते हुए ये डिसीजन लेते हैं कि उनको एलिमिनेट कर दिया जाए। तो 10 से 11 लोग इस चीज के लिए सहमति जताते हैं जिसमें कि सबसे पहले आगे आकर के रजत बोले थे कि अब जो है हम लोग ये फैसला लेते हैं कि इनको एलिमिनेट कर दिया जाए। और उसके बाद एलिमिनेशन के फेवर में जितने 10-11 लोग थे और जो फेवर में नहीं थे उनमें नाम था विवेन और श्रुतिका, मुस्कान, ईसा, एलिस और नायरा, ये लोग एलिमिनेशन के फेवर में बिल्कुल भी नहीं थे। अरफिन खान बिग बॉस को ये अनाउंसमेंट करते हैं कि बिग बॉस हम लोगों ने डिसीजन ले लिया है कि अविनाश को एलिमिनेट कर दिया जाए। अविनाश को एलिमिनेट कर दिया जाता है और उनको बिग बॉस घर से बाहर जाने के लिए बोलते हैं। तो उस समय एक्चुअल फ्रेंडशिप दिखता है जो आज तक मैं ईसा के बारे में आपको बोल रही थी कि शायद ये अविनाश का साथ उस वक्त छोड़ दे जब अविनाश को उसकी जरूरत हो, बट ईसा एक अच्छी दोस्त की तरह अविनाश के साथ खड़ी रही ईसा और एलिस। यहाँ तक कि ईसा ये भी बोलने लगी कि मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी अगर तुम नहीं रहोगे तो बिग बॉस उनको डराने के लिए पूछते भी हैं कि क्या आपका आखिरी डिसीजन है। तो ईसा बोलती है हाँ बिग बॉस ये आखिरी डिसीजन है, मैं भी जाऊंगी। बट सारे घर वाले समझाते हैं, एलिस का जो है थोड़ा तबीयत भी खराब हो जाता है, इतना रोती है कि वो बीमार हो जाती है। तो बिग बॉस उनको मेडिकल रूम में बुलाते हैं और सारे घर वाले जो है अविनाश का वेट कर रहे थे कि कब वो बाहर जाए और दिखावा सांत्वना दे रहे थे उसको, एलिस को भी संभाल रहे थे और ईसा को भी संभाल रहे थे। तो जिसमें कि ईसा जो है शिल्पा जी जब आई थी तो उनको बोलती है कि आप दूर रहे और बिना टच के हुए बात करें। तो ये मुझे अच्छा लगा क्योंकि शिल्पा जी तो तहे दिल से चाह रही थी कि अविनाश घर से बाहर हो जाए। उसके बाद अविनाश को दिखाया जाता है कि वो घर से बाहर हो गया जो कि पिछले 2 एपिसोड से ये चल रहा है। मैं आप लोगों को बोली ही थी कि अविनाश कहीं नहीं जाने वाला है क्योंकि वो सिंगल हैंडली बिग बॉस को चला रहा है, तो भला बिग बॉस उसको क्यों बाहर निकाले। उसके बाद डोर खुलती है, अविनाश गेट के बाहर जाता है, ईसा रोड़ो के बेहाल हो जाती है, एलिस भी रोड़ो के बेहाल हो जाती है। बट अविनाश के जाने से विवेन सच में दुखी थे और वो बोल रहे थे कि उसको एलिमिनेट नहीं करना चाहिए था, उसको जेल जाना चाहिए था। तो ये पहलू विवेन का मुझे अच्छा लगा कि वो जो है गेम फ्रंट फुट पे खेलना चाहते हैं, ऐसे नहीं कि किसी स्ट्रांग कैंडिडेट को बाहर निकाल दिया जाए इस तरह की षड्यंत्र रच करके। उसके बाद दिखाया जाता है कि अरफिन खान जो है भावुक हो रहे हैं, रो रहे हैं और सारा खान जोर जोर से चिल्ला रही है उनको दौरा पड़ गया है, जो कि आप लोगों ने भी फील किया होगा कि बीच बीच में सारा खान को किसी न किसी बहाने दौरा पड़ते रहता है। तो सारा खान रो रही है कि जो बिग बॉस जो है हम लोगों को मॉक करते हैं और बार बार जो है माइंड कोच बोलते हैं, तो क्या हम यहाँ लोगों का माइंड पढ़ने के लिए आए हुए हैं, क्या हम गेम खेलने के लिए नहीं आए हुए हैं। तो मैं इस बात से सहमत हूँ, आप बिल्कुल गेम खेलने के लिए आए हुए हैं, लेकिन फर्स्ट डे स्टेज पर आप ही थे जो लोगों के माइंड के बारे में टिप्पणी कर रहे थे और ये बोल रहे थे कि हम दोनों अपने हुनर से लोगों के माइंड से खेलेंगे। तो आज ऐसा हालत हो गया है कि आपके अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं है। फिर बिग बॉस बोलते हैं जिस खाना के लिए आप लोगों ने बवाल करके एक कंटेस्टेंट को बाहर निकाला था कि ये 17 लोग जो इनडिसाइडेड हैं, जो अपनी बात पे नहीं रहते हैं, इन सब ने एक ऐसे प्रतिभागी को निकाल दिया जो अपनी बात रखने में सक्षम थे, तो चलिए आप लोग ही सही, तथास्तु। वो खाना उसके कंट्रोल में है क्योंकि जेल का फाटक खुलता है और अविनाश दिख जाते हैं जिससे कि सबके चेहरे का रंग जो है उड़ जाता है, अंदर से कोई भी खुश नहीं होते हैं, खास करके करणवीर मेहरा और रजत।
और सारा और अरफिन खान, इन लोगों के चेहरे पर बिल्कुल दिख रहा है कि ये लोग जरा भी खुश नहीं है। ईशा और एलिस दौड़ते हुए जाती है अविनाश को हग करने के लिए और विवियन भी जाते हैं, उनको भी खुशी होती है अविनाश को देख करके। और अविनाश जो है आने के बाद गुस्से में अपना भड़ास निकालते हैं। फिर शिल्पा जी आती है, अविनाश से बात करती है क्योंकि सारा राशन तो अविनाश के कंट्रोल में है। तो शिल्पा जी अविनाश से दो एप्पल मांगती है, एक अपने लिए एक श्रुतिका के लिए। अविनाश एप्पल देता है और उन्हें साफ साफ बोलता है कि ये आप किसी और के साथ शेयर नहीं करना, ये मैं बस आपको और श्रुतिका को दिया हूँ। और घर वाले बैठ करके आपस में खुसुर खुसुर कर रहे हैं कि अविनाश से खाना मांगने कौन जाएगा, जिसमें कि शहजादा बोल रहा है मैं तो नहीं जाऊंगा मांगने के लिए। बहुत लोगों को जो है अब ये आन पे पड़ने वाली बात हो जाती है कि भाई जिसको हम बाहर निकाले थे सब मिल करके, उससे जाकर के गिड़गिड़ाना पड़ेगा राशन के लिए। और अविनाश भी जो है लोगों को एक एक दाने के लिए तड़पा रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल सही कर रहे हैं। अविनाश भी अपने जगह सही थे क्योंकि इन लोगों ने उनके ऊपर ये ब्लेम लगाया था कि लड़कियां सेफ नहीं है ये बोल करके, और ये बहुत अग्रेसिव है। तो अग्रेसिव चलो मैं मान लेती हूँ, बट लड़कियां सेफ नहीं है ये कहना सरासर गलत था, क्योंकि उनके साथ हमेशा दो तीन लड़कियां तो रहती ही हैं, जिसमें ईशा, एलिस और मुस्कान भी बैठती है। इन लोगों के बॉडी लैंग्वेज से कभी ऐसा नहीं लगा कि उन लोगों को अनकम्फर्ट फील हो रहा है अविनाश के साथ में। तो ये एक बंदे के ऊपर झूठा एलिगेशन लगा करके उसको बाहर निकालना इनकी तो बिल्कुल गलत था। तो अविनाश अपनी जगह ठीक था। फिर सारे लोगों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए अरफिन खान एक लीडर की तरह अविनाश के पास जाते हैं कि पूछते हैं कि खाना मांगने का क्या प्रोसेस है। तो अविनाश डिनाइल मोड में रहते हैं, वो सीधे डिनाई कर देते हैं कि नहीं कोई प्रोसेस नहीं है। अरफिन खान बेचारा मुंह बना करके फिर वापस जाते हैं और वो बोलते हैं कि अगर खाना हम लोगों को नहीं मिलेगा तो एक दो आदमी के लिए अगर खाना आता है, जैसे ईशा और एलिस खाना बनाने जाती है, तो हम नहीं किचन में जाना अलाउ नहीं करेंगे। और वो बिल्कुल रोक लगा देते हैं कि किचन में कोई नहीं घुसेगा। रजत भाई साहब अलग ही फरफरा रहे हैं, वो अलग ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं अविनाश को। उनके चेहरे से साफ दिखता है कि वो अविनाश को देख करके मतलब खून का घूंट पी करके रह रहे हैं। तो रजत बोलते हैं अगर मुझे खाना नहीं मिला तो मैं सामने वाले के हलक से खाना खींच के निकाल लूंगा। तो उनकी ये सब बातें बेकार लगती है, ये मार काट का शो नहीं है, ये आपके ब्रेन पे आपका कितना कंट्रोल है इस चीज का शो है। तो इन सब बातों से ना किसी को आप डरा सकते हैं, ना धमका सकते हैं, और ना ही किसी को आप अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। तो ये क्रिमिनल माइंडेड वाली बातें जो है यही छोड़ दीजिए। और वो जबरदस्ती जो है अविनाश को और गुस्सा दिलाने के लिए जाकर के वो और अरफिन खान सोफा उठाते हैं, जाकर के अविनाश के गेट के आगे रख देते हैं और उनको ये बोलते हैं, घर वालों को ये बोलते हैं कि इसको मैं चैन से नहीं सोने दूंगा, अगर हम लोगों को ये खाना नहीं देता है तो मैं पूरी रात इसको 24 घंटे जो है जगा करके रखूंगा। तो आप लोगों का ये कहना है कि आप अपने मन से किसी बंदे को जेल में भी डाल दो, उसको नजरबंद कर दो, और आप लोगों को भर पेट एकदम वैरायटी वैरायटी का भोजन आपको मिले, और वो भी बड़ी आसानी से बिना आपके मांगे हुए, तो ये तो आप गलत हैं। और अविनाश भी जो है अपनी बात पे आ रहा हुआ, अविनाश का कहना है कि मैं बस ये चाहता हूँ कि सारे घर वाले इकट्ठा होकर के मेरे पास आए और जो बातें हुई है जिस कारण से मुझे बेघर किया गया था उसको क्लियर करे, लेकिन घर वाले जो है उसके सामने आना नहीं चाहते हैं। रजत जो है फड़फड़ाते हुए जाते हैं अविनाश का सारा सामान जो है ट्रॉली उठा करके छिपाने के लिए जा रहे हैं। तो चाहत इस चीज में मना करती है कि ये चीज गलत है, खाना नहीं दे रहा है तो आप लोग उसके लिए और जो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन उसके सामान को छिपा देना ये गलत है, मैं इस चीज का समर्थन नहीं करती हूँ। तो चाहत से भी वो नाराज होते हैं, बोलते हैं बाबा तुमसे तो मैं बहस नहीं कर सकता हूँ। और लेकिन चाहत के रोकने के बाद वो रजत जो है उसके अविनाश के सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं करता है। तो चाहत की हिम्मत को उस समय में दाद देना चाहिए, चाहत ने सही कदम उठाया। जबकि रजत ऐसा लड़का है जिसे कि मर्द भी बात करने में डरता है, क्योंकि बॉडी से बहुत स्ट्रांग है और इतने जोर से बोलता है कि सामने वाला ऐसे भी घबरा जाएगा। बट चाहत उससे कट टू कट बात करके इस चीज को क्लियर की कि ये चीज गलत है, तो वो चीज बहुत अप्रिसिएटिंग था। फिर चाहत जाती है अविनाश के पास और अविनाश उनको बोलते हैं कि मैं घर वालों को खाना दे दूंगा, बट करण को बोलो मेरे से माफी मांगे, उसने मेरी बहन को लेकर के जो बातें बोली, उसने मुझे जो गालियां दी, इसके लिए वो सॉरी है कि नहीं है पहले उसको बोलो मेरे से माफी मांगने के लिए। तो चाहत इस बात को लेकर के सभी के बीच जाती है, घर वालों के बीच। तो घर वालों का कहना होता है कि आप क्यों आए हैं उसकी बातों को लेकर के, उनकी जो दो बंदियां हैं जो फ्रेंड है वो लोग क्यों नहीं इस बात को लेकर के आई है। तो चाहत बोलती है कि क्योंकि
क्योंकि वो मुझे बोला, मैं आप लोगों के लिए सोची तो मैं आप लोगों के पास आकर के इस बात को रखी, मानना या ना मानना ये आप लोगों पे निर्भर करता है। तो बेचारी फिर वापस अविनाश के पास जाती है और अविनाश को सारी बातें बताती है कि ये लोग मना कर रहे हैं। हेमा भी जाती है, हेमा भी बोलती है जाकर के कि आप अपनी दो बंदियों भेजे, तो अविनाश बोलते हैं मेरी कोई दो बंदियां नहीं है, सब अपना इंडिविजुअल गेम खेल रहे हैं। मैं इसको बोला और ये बात जाकर के आप लोगों के बीच में रखी थी। फिर उसके बाद विवेन भी आते हैं, वो भी समझाते हैं अविनाश को, तो अविनाश बताता है कि ऐसे ऐसे करणवीर मुझे गाली दिया और मेरी बहन के बारे में बोला। तो विवेन जाकर के करणवीर को एक साइड में ले जाकर के समझाते हैं कि तुम उसको ऐसी बातें क्यों बोला था। तो करणवीर बोलते हैं कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, ये तो बात बात में निकल गया जब वो मेरे बालों पे बोल रहा था कि गंजा हो गया है, तो मैं बोला क्यों तुम्हारी बहन की शादी करवानी है मुझसे, तो ये बात सही है। करणवीर इसी अंदाज में बोला था, ऐसा कुछ गाली गलौज तो नहीं किया था बहन के बारे में। बट अविनाश को उकसाया तो था करणवीर, उसको गालियां तो दिया था कि तुम साला नहीं, तुम कुत्ता हो, कमीना हो करके कुछ ऐसी ऐसी बातें तो उसको बोला था, जिससे अविनाश और गुस्से में आ रहा था। तो करणवीर इंस्टिगेट तो किए थे विवियन के समझाने के बाद और रजत के समझाने के बाद। करणवीर बोलते हैं कि देखो मैं अपने लिए तो नहीं जाऊंगा, बट आप लोगों के कंसर्न है तो मैं जा सकता हूं कि आप लोगों को राशन की जरूरत है, मैं तो चलो एक रात नहीं खाऊंगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों की सोच करके मैं जाऊंगा, उससे बात करूंगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे टाइम दो। तो इधर अविनाश भी जो है धीरे धीरे उसका भी गुस्सा शांत होते जा रहा था। पहले तो वो सॉरी मांग रहा था, बाद में बोल रहा था कि नहीं मुझे क्लियर कर दे इन बातों को, लेकिन अविनाश कहीं गलत नहीं था। जब उसके साथ इतना अत्याचार इन लोगों ने किया, उसको बाहर निकाल दिया, वो तो बिग बॉस का धन्यवाद जो उसको बाहर नहीं निकाले, उसको जेल में डाल दिए, नहीं तो ये लोग तो पूरे चाल चल लिए थे कि उसको बाहर निकाल देना। एक स्ट्रांग खिलाड़ी को बाहर निकालने का पूरा प्लानिंग कर चुके थे घरवालों ने। फिर देखा जाता है कि चूम भी गई है अविनाश के पास और अपनी बातों को क्लियर कर रही है कि साला कोई गाली तो नहीं होता है। तो जो बात मैं कल के वीडियो में बोली थी, आप सुनिएगा लास्ट 2 मिनट के पहले ये टॉपिक मैं डाली थी कि अगर अविनाश चूम को साला के जगह साली बोल देता तो पूरे घर वाले उस पर चढ़ जाते। सेम वर्ड अविनाश ने बोला चूम को कि ठीक है साला कोई गाली नहीं है, तुम मुझे गाली दी और तुम्हारी जगह मैं तुमको अगर साली बोल देता, तो चूम बोलती है मैं कुछ नहीं बोलती। अविनाश बोल रहे थे तुम कुछ नहीं बोलती लेकिन पूरे घर वाले मेरे ऊपर चढ़ जाते। तो बात बिल्कुल सही है कि अविनाश कितना भी गुस्सा में हो लेकिन इतना होश तो उसको जरूर रहता है कि वो मुंह से कभी किसी तरह की गाली नहीं निकाला है। ये तो बहुत बड़ी बात है कि वो भले ही कितने गुस्से में हो वो गाली अपशब्द मुंह से कभी नहीं निकाला। अरफीन खान अविनाश के पास जाकर के बोलते हैं, अविनाश आप मुझे भले ही गाली दे दो लेकिन मेरे प्रोफेशन को गाली मत दो, आप मेरी पूरी कम्युनिटी को गाली दे रहे। तो अविनाश बोल रहे सर आप मेरी बात को गलत दिशा दे रहे हैं, गलत मोड़ पे ले जा रहे हैं, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैं आपके प्रोफेशन को गाली दूं। और सारा खान अलग ही चिल्लम चिल्ला कर रही है कि माइंड कोच बोल करके हम लोगों को हमेशा डिसरिस्पेक्ट करते हैं, हमारे प्रोफेशन को गाली देते हैं, और पूरा वो अपना आपा खो चुकी है, चिल्लम चिल्ला कर रही है। तो वो जिस तरह से आपा खो रही है तो ये देख करके तो किसी को भी डाउट होगा कि आप किस बात के माइंड कोच हैं, जिसको कि अपने ही माइंड पे कंट्रोल नहीं है, जो दूसरे को बच्चा बोल रहे हैं अपने सामने में, अपने आप को ज्यादा टैलेंटेड समझ रहे थे, उन लोगों का दिमागी हालत अभी ऐसा हो गया है। तो मजाक उड़ाना तो वाजिब बनता है, आप माइंड कोच थे तो सबसे स्ट्रांग, सबसे शांत और गंभीर बनकर के रहना चाहिए था। तो इन सब चीजों में तो मैं देख रही हूँ कि करण अभी तक बहुत ही नॉर्मली कामली इन चीजों को हैंडल करता है, वो फुसकी बम की तरह आग भी लगा देता है, शांति से बैठ भी जाता है और कभी शोर शराबा में रहता भी नहीं है, एक तिली मार के आ जाता है और शांति से बैठ जाता है। तो करणवीर भी बहुत अंदर से जो है दुखी थे उनके आने के बाद, अविनाश के आने के बाद करणवीर के चेहरे से साफ साफ दिख रहा था। बट करणवीर भी अविनाश के पास एक बार तो रात में जाते हैं बात को नॉर्मल करने के लिए। अविनाश उस समय जो है बिल्कुल डिनायल मोड में था और उनकी बातों को नहीं सुनता है, करणवीर वापस आ जाते हैं। फिर बात होती है कि ईसा और एलिस को पता चलता है कि जो अविनाश ने खिचड़ी बना के रखी थी वो कोई खा लिया। तो कौन खाया भाई? तो करणवीर खा लिया। तो ईसा और एलिस जाती है करणवीर को बोलने के लिए कि भाई जब सब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो आप खिचड़ी क्यों खा लिए? करणवीर बोले मैं अपने मन से तो लिया नहीं था, मुझे श्रुतिका दी थी। श्रुतिका भी बोलती है कि मैं ही करणवीर को दी थी। तो हेमा भी उधर से आती है कि जब आप खाए तो आप मुझे क्यों नहीं दिए? तो करणवीर बोल रहे थे कि मैं छुपा के तो खाया नहीं था, तो उस समय अगर मेरे सामने आप रहते तो मैं आपको देता, कोई था नहीं तो मैं खा लिया। तो यही सब बहस हो रही थी और ईसा एलिस और करणवीर में थोड़ा सा
आर्गुमेंट बढ़ गया था, तो करणवीर बोलते हैं कि तुम्हें शर्माता है थोड़ा सा भी। एलिस बोल रही है मुझे किस बात की शर्मानी चाहिए, तो तुम्हारे दोस्त ने जो ऐसी हरकत की है ये पूरे घर वालों के साथ, जो खाना किसी को नहीं दे रहा है। तो एलिस बोलती है कि आपको शर्म नहीं आना चाहिए, आप जो उसके साथ में बर्ताव किए हैं। आप बताइए, मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि इस समय एलिस गलत लग रही है कि करणवीर? मेरे नजर में तो एलिस बिल्कुल सही है, जिस तरह से करणवीर को जो है सच्चाई का सामना करवा रही है। करणवीर जो है वो बैठे बैठे जो है आग लगाते रहते हैं, तिली मारते रहते हैं और सब इसमें परेशान हो रहा है और वो शांति से बैठे हुए हैं। विवेक बेचारा फिर से एफर्ट डालता है, फिर कोशिश करता है अविनाश के पास जाने का और उसको समझाने का कि अविनाश दिन भर किसी ने खाना नहीं खाया है, कम से कम रात का राशन दे दो। तो अविनाश नाम मुकुर करने के बाद बोलते हैं चलो मैं दे दिया, बट वो ये शब्द बोलते हैं कि मैं तो बस इतना चाह रहा था कि एक बार करणवीर आकर के जो मुझे बोले थे उसके लिए सॉरी बोल दे, माफी मांग ले। अगर वो मेरे से माफी मांग लेते तो वो छोटे नहीं हो जाते, उल्टा वो बड़े रहते, उनका मान बढ़ता। बट अगर इतना भी नहीं कर सके, इतना दिल छोटा है, तो कोई बात नहीं, मैं सब घर वालों के लिए राशन देता हूँ। उसके बाद सब क्लैपिंग करते हैं अविनाश के लिए और खाना बनता है, खिचड़ी बनता है, सब खाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि अविनाश बिग बॉस को थैंक यू बोलते हैं और वो बोलते हैं कि थैंक यू बिग बॉस, आपने मेरे लिए जस्टिस किया और मैं भी इन लोगों के लिए जस्टिस करूंगा, राशन सबको दूंगा, बट मैं अपनी बातों को भी रखूंगा। तो इसी मोड़ पर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अब आज के एपिसोड में दिखाएगा चाहत का झगड़ा चुम से जो होता है। तो मेरे ख्याल से आज के इस रिव्यू में जितने भी कंटेस्टेंट को दिखाया गया था, जो भी घटनाएं घटी, आई होप सारे जो मुद्दे हैं उनको हम लोगों ने कवर कर लिया, सब पे चर्चाएं हो गई। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई ये रिव्यू आप लोगों को अच्छी लगी होगी और जो भी कमी रही होगी उसके लिए आप मुझे गाइड कीजिएगा, मैं अपने आप में सुधार लाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर।